माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल भी क्लास हुआ था वैसे आज भी जा रहा है शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर आप लोगों को क्लास में भी करवाया गया था, बट अगेन हम लोग उसको जा रहे हैं रिवाइज करने। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए एडमिशन्स हुए हैं, उनको भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए कंप्यूटर की क्लास फिर से दोबारा स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था क्लास में कि कंप्यूटर क्या होता है एंड कंप्यूटर का क्या रोल्स है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो इसमें देखिए कंप्यूटर का जो है डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट रो डेटा एज एन इनपुट फॉर्म एंड रो डेटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। राइट, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ए सेट ऑफ, जैसे कि हमने क्लास में आप लोगों को बताया था, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है इसको हम क्लास में आप लोगों को बताया भी था हमने और फर्दर वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस ए रिजल्ट, रिजल्ट बोले तो आउटपुट, एंड सेव इट फॉर फर्दर यूज, एंड इसको फिर से सेव करेगा बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है, जैसे कि आप कोई डेटा डालना है, ठीक है, एंड उस पर प्रोसेस होगा। ठीक है, एंड जो आउटपुट आएगा हमारा वो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो आएगा हमारा वो आउटपुट होगा क्या, रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक डेटा है 3, उसको हमने इनपुट के फॉर्म में दिया 3। ठीक है, तो 3 मीन्स ये क्लियर नहीं हो रहा है कि 3 एक्चुअली है क्या। ठीक है, जैसे हमने इनपुट यहाँ पर 3 दिया तो ये 3 से क्लियर नहीं हो रहा है कि 3 है क्या। ठीक है, जैसे कि 3 का के साथ में 3 kg होना चाहिए या फिर 3 किलोमीटर होना चाहिए या फिर 3 मीटर होना चाहिए। तो ये तो हमारा रॉ डेटा हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 क्या है, रॉ डेटा है, एंड 3 kg, 3 किलोमीटर एंड 3 मीटर आर दी प्रोसेस डेटा, डेट इज़ क्या, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है एज ए फॉर्म ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्या क्या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर टेक डेटा एज इनपुट, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, एंड इनपुट कौन देगा, इनपुट यूजर देता है, इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। एंड सेकंड पॉइंट है स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, और जो भी इनपुट है या फिर स्टोर डेटा है उसको कहाँ जाके स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट यूज इन यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ये हमारा 3 है, 3 की है। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, 3 क्या है, रॉ डेटा है, और इंफॉर्मेशन फाइनल आउटपुट हमारा क्या मिला हमको, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर से हमें क्लियर हो गया कि ये क्या लेंथ का यूनिट है, यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे किलोमीटर को हम मेजरमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 3 था तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्या है, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, या फिर क्या है। तो कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया 3, ठीक है, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, फिर जाके हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला 3 किलोमीटर। राइट, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जान लिया, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, तो उसको देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो भी क्लास में कवर कराया गया है यहाँ भी ऑनलाइन हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज, कंप्यूटर के एडवांटेज की बात करते हैं, तो एडवांटेज की बात करते हैं, फर्स्ट इसमें आता है हमारा हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड का ये होता है कि इट इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, मतलब कि इसमें किसी तरह का कैलकुलेशन, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन काफ़ी तेज़ी से परफॉर्म किया जा सकता है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि हमारे पास बहुत बल्क में डेटा है, ठीक है, और डेटा बोले तो उसमें जैसे कि मान लेट सपोज इम्प्लॉइज है हमारे पास, तो इम्प्लॉइज का उनका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, इम्प्लॉई नंबर होगा, सो इसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसपे बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका अगर कोई कैलकुलेशन करना है लाइक सैलरी उनका कैलकुलेट करना है या फिर जो भी उनका कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर्स की नीड होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यू कैन परफॉर्म वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास द कंप्यूटर्स आर यूनिट ऑफ स्पेस। कंप्यूटर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है, जैसे इसमें यूनिट होगा जैसे डेटा वोटा हमारा स्टोर करने के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए, तो हमारा माइक्रो सेकेंड होता है, नैनो सेकेंड होता है, मतलब कंप्यूटर जो भी जॉब परफॉर्म करता है उसके लिए जो यूनिट होता है डेट इज माइक्रो यूनिट एंड नैनो यूनिट में ये मेजर किया जाता है कि कंप्यूटर ने ये काम को परफॉर्म करने में कितना समय लिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स ऑफ स्पीड। एंड कंप्यूटर का जो यूनिट ऑफ स्पीड होता है डेट इज माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड्स एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या फिर मैन। तो कंप्यूटर क्या है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन मतलब बहुत सारे बल्क कैलकुलेशंस हैं, इसको ये फ्यू सेकेंड्स में कर सकता है इन कंपेयर टू मैन, बिकॉज कि मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, अगर एक रजिस्टर में बहुत सारे डेटा डाला हुआ है, तो आपको बोल दिया जाए कि लेट सपोज कि एक इम्प्लॉई का आईडी दे दिया जाए, अब बोला जाए कि एक इम्प्लॉई को आईडी को सर्च करके बताइए, इम्प्लॉई का आईडी दे दिया गया, बोला गया कि इस आईडी का इम्प्लॉई का क्या नाम है, उसका क्या डिटेल है, सर्च करके बताइए। तो अगर ह्यूमन बीइंग उसको कर रहे हैं तो रजिस्टर में उसको मेंटेन किए हैं, तो उसको तो सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा, हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे, सारे रजिस्टर में खोजना होगा, फिर एम्प्लॉई आईडी मैच कराना होगा, फिर उनका वो डिटेल वहाँ से जाके फेच होगा। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपको सर्च में जाना है सिर्फ, और एम्प्लॉई नंबर जैसे आप मारेंगे तो पूरे डेटाबेस में सर्च करके उस एम्प्लॉई आईडी का जो भी डिटेल होगा उनको शो कर देगा, ठीक है। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, जैसे कि अभी तो हमने कह दिया कि कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करता है और काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी डेटा है उनको कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से मतलब जल्दी कर देता है। अब यहाँ हम एक्यूरेसी की बात करेंगे कि काम तो हमारा तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, बट ये भी तो देखना है कि कितना परसेंट एक्यूरेसी है, एक्यूरेट काम भी कर रहा है या फिर गलत हो रहा है, ये चीज़ भी देखना है। एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट, ठीक है, जैसे काम कंप्यूटर जितना तेज़ी से करता है इसमें कोई गलती नहीं होती है, ठीक है, कैलकुलेशन इसका सही होता है। इसमें सेकंड पॉइंट है द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री, ठीक है, इसमें जो भी कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशन किया जाता है ये 100% एक्यूरेट होता है, और ये कब होता है, जब आपने प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो अगर प्रोग्राम में किसी तरह का कोई एरर होता है तो कैलकुलेशन में हमारा जो है कि एरर आ सकता है। अगर हमने प्रोग्राम सही बनाया है, कंप्यूटर को प्रॉपर वे में गाइड सही से किया है, इंस्ट्रक्शन सही से दिया है, तो फिर एरर की कोई चांस नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस, इट्स नॉट ए एनालॉग डिवाइस, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब्स विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है, कंप्यूटर्स जो भी जॉब परफॉर्म करता है, जो भी काम करता है 100% एक्यूरेसी के साथ करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट दी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हाई स्पीड का हमने बात किया तो इसमें हम आप लोग यही बताया गया कि कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से काम करता है, ठीक है, जो कैलकुलेशन है या फिर कोई डेटा है उसको। अब इसमें हमने एक्यूरेसी की भी बात कर लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या टॉपिक हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया था कंप्यूटर कितना तेज किसी काम को कर सकता है, उसके बाद से कितना एक्यूरेट कर सकता है, आई मीन की एक्यूरेसी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब मेमोरी, जो भी डेटा है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम पहले आके स्टोर करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो हम बात देखते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट कंप्यूटर इज ए
मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब मेमोरी कंप्यूटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेकंड, कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करता है जैसे हार्ड डिस्क के साइज के ऊपर, ठीक है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना GB का हार्ड डिस्क हम अपने सिस्टम पे लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना रैम दे रहे हैं, वो सब बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। बस सिंपली आपको यहाँ पे इतना समझना है कि स्टोरेज कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना साइज के ले रहे हैं, ठीक है, 1 GB ले रहे हैं, 1 TB ले रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जाके सिस्टम के कन्फिग्रेशन मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर जाके फिर से उसको कन्फिगर कराना पड़ेगा, जैसे कि रैम की साइज़ बढ़ाना होगा, उसका प्रोसेसर वगैरह चेंज करना होगा, ठीक है, जो साइज है मेमोरी का उसके हिसाब से लेना होगा, ठीक है। कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, तो क्लियर सी बात है, जब कंप्यूटर के पास मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी है तो ये काफ़ी बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है, उसको डेटाबेस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर डेटा वेयर हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर कैन स्टोर डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डेटा लाइक इमेज, टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब हो गया कि जैसे ही हमने लिया ए बी सी डी अल्फाबेट, ठीक है, दीज आर द टेक्स्ट। एंड वीडियोज, ऑडियोज तो आप जानते ही हैं, इमेज तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा कि कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियोज है, ऑडियोज है, मतलब कि कंप्यूटर कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, राइट, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं, जैसे कि ये सारे एडवांटेजेस की अभी तक हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी डिवाइस या बनता है तो उसका एडवांटेज होता है, तो उसके साथ में उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर का क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर मशीन हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है, कंप्यूटर के पास कोई अपना इंटेलिजेंस नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगा, नो इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर टोटली डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है, उसमें प्रोग्राम के फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये काम करना है आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से किसी भी तरह का टास्क अगर परफॉर्म कराना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा, ठीक है। सो इट हैज नो इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि खुद से समझ के किसी काम को कर लेना, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर के पास नहीं होता है। ये एक कंप्यूटर का डिसएडवांटेज रहा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रत्येक बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा जो है, कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन, मतलब कि कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। उसको जैसे कि बता दिया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, लेट सपोज एक्सेल में आप काम कर रहे हैं, ये कॉलम एक को जो भी डेटा है इनको जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ने का ही काम करेगा। जैसे ये कॉलम का डेटा ख़त्म हो जाएगा, कंप्यूटर वहीं पे रुक जाएगा, अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे हमने कॉलम ए का काम कर लिया तो फिर कॉलम बी का काम हमें करना है, ठीक है, ये कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता है। ये टोटली डिसीजन डिपेंड करता है इसके ऊपर, डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगर इंस्ट्रक्शन में हमने दिया है कि कॉलम ए का डेटा जैसे कंप्लीट हो जाए इसका कैलकुलेशन करना, फिर जंप करना है कॉलम बी के डेटा को कैलकुलेट करना, अगर इंस्ट्रक्शन हमने दिया है तो करेगा, अगर नहीं दिया है तो कंप्यूटर अपने खुद से नहीं कर सकता है, ठीक है। ये रहा कंप्यूटर हमारा, और थोड़ा सा इसके ब्लैक बोर्ड में शेयर करना चाहूँगा एक बार, थोड़ा सा जो स्टूडेंट इसको नोट आउट करना चाहें नोट कर सकते हैं।